हाँ दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश गोस्वामी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आ चुके हैं नए अंजाद में। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस समय हाई स्कूल या बोर्ड की परीक्षाएं, इंटर की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तो इसी के लिए हम आपके लिए खासकर वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो कि जनसंख्या आज कितनी बढ़ रही है, आपको हाई स्कूल या इंटर में जनसंख्या पर निबंध लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत बार आता है, लगभग में हर साल आता है दोस्तों जनसंख्या निबंध पर। तो हम निबंध आपको कैसे लिखना है दोस्तों, मैं उसी पर आपको बहुत ही फोकस, बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने वाले हैं कि आपको लिखना कैसे है दोस्तों। आप केवल समझ जाते हो जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप समझ जाते हो तो आपको लिखने में कोई आसान कठिनाई नहीं होगी दोस्तों। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपके क्वेश्चन मार्ग में हाई स्कूल या इंटर में जनसंख्या पर निबंध लिखना आ जाता है, जनसंख्या पर निबंध लिखना आ जाता है दोस्तों। तो आपको सिंपली उसमें घबराने की बात नहीं है, आपको आराम से लिखना है। लगभग 100 या 200 300 अक्षर में आपको लिखना है, कम से कम 150 अक्षर कम से कम दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा आप कुछ भी लिख दो बात अलग है दोस्तों। सबसे पहले आपको लिखना है कि जनसंख्या से विस्फोट, जनसंख्या आज हमारे देश में कैसी है, क्या जनसंख्या से हो रहा है दोस्तों, जनसंख्या से लाभ क्या है, जनसंख्या से हानि क्या है, जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा, भारत की जनसंख्या क्या है, उत्तर प्रदेश में आप रहते हो, अपने राज्य में जैसे रहते हो, हम जैसे यूपी बोर्ड वाले हैं तो हम यूपी की बात, यूपी की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ये बिंदु आपको दिमाग में बैठा लेना है दोस्तों। आपको दिमाग में बैठा लेना है कुछ चीजें, महत्वपूर्ण चीजें, कि कितनी जनसंख्या भारत की है, कितनी जनसंख्या वो हमारे उत्तर प्रदेश की है, आपको तह 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 पर लिखना है। जैसे कि आपको हान, जनसंख्या से हान क्या होती है, जनसंख्या से लाभ क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या हमारे लिए कितना कितना आवश्यकता है, जैसे कि जैसे हमारे देश पर, अब जैसे जनसंख्या हमारे देश में रहेगी ज्यादातर, तो अन्य कोई भी देश वाले, कोई भी विदेशी हमारे देश पर कभी कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग एक बार गुलामी से झेल चुके हैं, गुलामी हम लोग बहुत ही कठिन सा से अपनी आजादी को पाया है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, अपने हर एक बच्चा अपने खून को न्यौछावर किया है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो। तो जनसंख्या भी सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों। और जैसे कि माना आप आज की जनसंख्या नुकसान भी है, पूछो क्यों, जैसे कि माना आपको, मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, आपको इसे टॉपिक पर लिखना है दोस्तों। और जैसे कि नुकसान भी है, जैसे कि हमारे देश में बहुत उपज है, लेकिन मैं एक मानता हूँ कि हमारे देश में खान पान जो है वो कम हो रहा है। अब जैसे चाइना को, बगल पड़ोसी मुल्क को ले लीजिए, चाइना को, चीन को, चीन में जैसे दोस्तों बहुत क्षेत्रफल है, वहां की बहुत जनसंख्या है, बहुत नहीं लेकिन बहुत जनसंख्या है, तो दोस्तों वहां के क्षेत्रफल के अलावा जो वहां की जमीन है, उपजाऊ जमीन, वहां पर जो फसल है, फसल ज्यादा नहीं उगता है, तो वो लोग मांस मछली अंडा सांप गोजर भेड़ अरे दोस्त सब कुछ खा लेते हैं, क्यों, वहां की जो खाने का फसल होते हैं वहां पर फसल है ही नहीं, बहुत कम है, हमारे भारत से सप्लाई होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे चावल और, तो आप लोग जानते हो तो आपको समझाने की बात नहीं, तो जनसंख्या इसी के लिए बहुत ही कम है। जैसे चीन के लिए जनसंख्या आने वाले समय में बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा, हानिकारक है दोस्तों। तो ये ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि जनसंख्या बहुत ही नुकसानदायक है। और आपको लिखना कैसे है वो आप अपनी गाइड या कोई भी अन्य चीजों से देख सकते हो, लेकिन आपको हेडिंग देकर लिखना है, हान लाभ, जनसंख्या से लाभ क्या है, हान क्या है, हमें जनसंख्या कितनी रखनी चाहिए, हमारे दो बच्चे
जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, और ऐसे गलत उपयोग नहीं करना चाहिए अपनी जनसंख्या का, यही हर चीज है दोस्तों। और ऐसी वीडियो आपको, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दाब देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।